हेलो मैम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बैलेंस बन गया? बैलेंस बन गया है, थोड़ा चलाने में थोड़ा सा हो रहा है दर्द, लेकिन अच्छा चला रही हूँ पहले से। अच्छा, चलिए चला के दिखाइए मैम एक बार। आगे से बैक करके आइएगा। देख सकते हैं दोस्तों, आज संडे है, बढ़िया तरीके से फिफ्थ डे है आज। बैलेंस बनाकर बहुत बढ़िया रिस्पांस सबनम मैम के बैच में हमें मिला है। अरे बुआ प्रणाम। देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं सबनम मैम बढ़िया तरीके से स्कूटी को कंट्रोल करके, जहाँ पे आपको दिक्कत लगती है आप पाँव का सहारा ले लीजिएगा, बहुत खूब इसमें। देखिए ब्रेकर है आगे पे, तो पाँव का ज़्यादा दूर मत जाइएगा, कम स्पेस में ही बैठ करके आइए। पाँव का सहारा लेके कम स्पेस पे बैठ करके आइए ना, जिससे जो कमियां होंगी वो सबको पता चलेंगी कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे कैसा करना है। हाँ, कम स्पेस में आगे पे बैक करिए, आगे पे। देखिए दोस्तों, टर्न करते टाइम पे ध्यान दीजिएगा, ये पांव ज़मीन में है। देखिए मेन दिक्कत क्या है, हमको बैक करते टाइम टर्न करते टाइम प्रॉब्लम होता है, सबका ये प्रॉब्लम है। तो इसमें आप ना जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना परफेक्टनेस आते रहेंगे। देखिए आज कल तक जो मैम उतना डरी हुई थी, आज गाड़ियों के बीच में चला ले रही है, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों ये। तो प्रैक्टिस से ही आप एक अच्छे राइडर बनेंगे। आज केवल मात्र 5 दिन में इतना बढ़िया तरीके से स्कूटी चलाने लगी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। देखिए जहाँ पे आपको दिक्कत होती है पाँव का सहारा ले लीजिएगा, जहाँ पे कंफर्टेबल होता है पैर ऊपर रख लीजिए। बैक करनी है, आराम आराम से बैक कर लेंगे। बैक करके देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा रिस्पांस हमें इस बैच में मिला है। आप देखिए कितनी दिक्कतें फेस करनी पड़ी, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन था, लेकिन आज एक परफेक्ट राइडर की तरह बढ़िया तरीके से चलाने लगी हैं सबनम मैम। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, कोशिश करते रहिए, बहुत अच्छे राइडर बनेंगे। चले मैम, कैसा लगा स्कूटी सीखने का एक्सपीरियंस? मैम, स्कूटी सीखने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, आपके साथ ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि आपने बहुत आसानी से मुझे सिखाया। आसान टफ लगता था पहले? पहले